गुड आफ्टरनून क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने इस प्लान कर्व को रिप्रेजेंट करने के लिए जो बेसिक्स टर्मिनोलॉजीज है वो उसमें से बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। आज हम कंटिन्यूटी कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे और कंटिन्यूटी कंडीशंस में हमने कल पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी थोड़ा बहुत देख लिया था। बेसिकली कंटिन्यूटी कंडीशन में हम ये चेक करते हैं कि जब हम पीस वाइज क्यूबिक पॉलिनोमियल इस प्लान कर्व को एक दूसरे से जोड़ते हैं तो ये चेक करते हैं कि क्या उन दो कर्व के बीच में कंटिन्यूटी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो वो कंटिन्यूटी हम कई लेवल पे चेक करते हैं। जीरो लेवल पे हम ये चेक करते हैं कि दोनों के एंड पॉइंट एक दूसरे से मिले हैं कि नहीं मिले हैं, ज्वाइंट है या नहीं ज्वाइंट है। फर्स्ट लेवल कंटिन्यूटी में हम ये चेक करते हैं कि अगर ज्वाइंट है तो क्या उनके फ्लो का डायरेक्शन सेम है या नहीं, यानी उनका टेंजेंट हम चेक करते हैं कि उनका टेंजेंट सेम है या नहीं सेम है। सेकंड कंटिन्यूटी में हम ये चेक करते हैं कि क्या उन दोनों कर्व के ज्वाइंट पॉइंट पे स्मूथनेस है या नहीं है। ठीक है, जैसा कि कल मैंने आपको एक वीडियो में भी डिस्प्ले कराया था कि दो कर्व थे, दोनों कर्व ज्वाइंट नहीं थे, तो एक कार जब एक कर्व से होते हुए दूसरे कर्व पे जाती थी तो थोड़ा फ्लक्चुएशन सा होता था, तो वहां पे कंटिन्यूटी बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन जब वो दोनों कर्व ज्वाइंट थे लेकिन उनका जो कर्वेचर था स्मूथ नहीं था तो कार को बेंड होने में बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, तो वहां पे जीरो लेवल कंटिन्यूटी थी लेकिन फर्स्ट लेवल कंटिन्यूटी नहीं थी। तो फर्स्ट लेवल कंटिन्यूटी के लिए हमने कर्व को थोड़ा स्ट्रेस किया था कि दोनों के टेंजेंट सेम हो जाए, तो टेंजेंट सेम होने के बावजूद कार मूव हो रही थी लेकिन उसमें वो स्मूथनेस नहीं थी जिसकी वजह से हमने सेकंड लेवल कंटिन्यूटी को अचीव करने की कोशिश की थी और कर्व में स्मूथनेस लाया था हमने। तो हमें तीन तरह की कंटिन्यूटी पढ़नी है, जीरो लेवल, फर्स्ट लेवल एंड सेकंड लेवल। तो किसी भी कर्व की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, किसी कंटिन्यूटी कंडीशन की अगर बात करें तो दो तरह से हम उसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। पहला है पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी और दूसरा है ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी। पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी में बेसिकली तीन तरह से हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। पहला है जीरो ऑर्डर पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी, दूसरा है फर्स्ट ऑर्डर पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी और तीसरा है सेकंड ऑर्डर पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी। ये दो गए हमारा, जब हम पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी के थ्रू दो कर्व के बीच की कंटिन्यूटी चेक करते हैं। कंटिन्यूटी का मतलब यह है कि वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हों, उन दोनों का टेंजेंट सेम हो और उन दोनों कर्व के ज्वाइंट पॉइंट पे स्मूथनेस हो। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूटी। हम यही चेक करना होता है, उसको चेक करने के लिए हम दो मेथड यूज करते हैं, या तो हम पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी यूज करते हैं या तो हम ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी यूज करते हैं। पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी में तीन तरह से हम चेक करते हैं, पहले जीरो लेवल देखते हैं, फिर फर्स्ट लेवल देखते हैं, फिर सेकंड ऑर्डर कंटिन्यूटी देखते हैं। सेम अगर मैं ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी की बात करूँ तो ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी में हमें तीन चीजें चेक करनी होती है, फर्स्ट ऑर्डर ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी, सॉरी जीरो ऑर्डर ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी, फर्स्ट ऑर्डर ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी एंड सेकेंड ऑर्डर ज्योमेट्रिक कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, इन दोनों कॉन्टिन्यूटी में डिफरेंस क्या है पैरामेट्रिक कॉन्टिन्यूटी और ज्योमेट्रिक कॉन्टिन्यूटी में। अभी पहले फिलहाल हम पैरामेट्रिक कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं। अगर जीरो ऑर्डर पैरामेट्रिक कॉन्टिन्यूटी की बात करें तो इसमें हम बेसिकली ये देखते हैं, जैसे आप यहाँ फिगर में देखिए आपको दो कर्व दिख रहे हैं, एक कर्व पी यू है और एक कर्व क्यू ही है। ये दोनों कर्व एक सर्टेन पॉइंट पे ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, यानी पी यू कर्व का जो एंड पॉइंट है और क्यू वी कर्व का जो फर्स्ट पॉइंट है वो दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं यानी ज्वाइंट हैं। तो हम कहने का मतलब है यहाँ पे जीरो ऑर्डर पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी एग्जिस्ट कर रही है। अगर ये ज्वाइंट नहीं होते, जैसा इस फिगर में देखें, अगर हम एक मिनट, जैसा इस फिगर में देखें, हम इस वाले फिगर में देखिए, नॉट जीरो सी जीरो कॉन्टिन्यूस, ये जो यहाँ दो कर्व दिख रहे हैं, एक ये वाला कर्व और एक ये वाला कर्व। ठीक है, इन दोनों कर्व का एंड पॉइंट यानी पहले कर्व का एंड पॉइंट और दूसरे कर्व का फर्स्ट पॉइंट देखिए ज्वाइंट नहीं है। ठीक है, ज्वाइंट नहीं मतलब ये जीरो लेवल कॉन्टिन्यूस नहीं है, लेकिन अगर ये दोनों ज्वाइंट हो जाए इस पॉइंट पे तो क्या हो जाएगा, जीरो लेवल कंटिन्यूअस होंगे। ऐसे ही अगर हम फर्स्ट ऑर्डर पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी की अगर बात करें, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी में देखिए क्या है, आपको इस फिगर में दिख रहा होगा, टेस्ट कर लेता हूं यहां पे,
स्पीकर में देखिए दिख रहा होगा आपको, जो ब्लू वाला कर्व है, दो कर्व है, ब्लू कर्व और रेड कर्व, ठीक है। जो ब्लू वाला कर्व है उस कर्व का जो टेंजेंट है, उस कर्व का टेंजेंट और रेड वाले कर्व का जो टेंजेंट है, दोनों टेंजेंट सेम है। देखिए ब्लू वाले कर्व का टेंजेंट इस डायरेक्शन में है और रेड वाले कर्व का जो टेंजेंट है वो भी इस डायरेक्शन में है। टेंजेंट मतलब उस कर्व का डायरेक्शन, उस पॉइंट पे, उस सर्टेन पॉइंट पे कर्व का फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है उसको हम बोलते हैं टेंजेंट, उस पॉइंट का टेंजेंट। तो जिस पॉइंट पे दोनों कर्व मीट कर रहे हैं, पीयू कर्व और क्यूवी कर्व, यानी पीयू का एंड पॉइंट और क्यूवी का फर्स्ट पॉइंट जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे इन दोनों कर्व का जो टेंजेंट है, यानी इन दोनों कर्व का जो फ्लो का डायरेक्शन है वो सेम है। तो अगर ये सेम है दोनों कर्व का टेंजेंट, तो कहने का मतलब है कि वो दोनों कर्व फर्स्ट ऑर्डर पैरामेट्रिक कंटिन्यूअस हैं। फर्स्ट ऑर्डर पैरामेट्रिक कंटिन्यूअस हैं। फर्स्ट ऑर्डर पैरामेट्रिक कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि उस पीयू कर्व का जो क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, अगर उसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले, देखिए यहां लिखा है सी वन मीन्स डी पी वन अपॉन डी यू। डी यू क्या है, यहाँ पे यू क्या है, एक पैरामीटर है, ठीक है। जैसे हम टी, कहीं कहीं हम टी यूज करते हैं, कहीं कहीं हम यू यूज करते हैं, तो यू क्या है, एक एक पैरामीटर है, ठीक है, जिसके थ्रू हम इस कर्व को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम उस पी यू कर्व का अगर फर्स्ट डेरिवेटिव लें और क्यू वी कर्व का सेकेंड डेरिवेटिव लें, और अगर दोनों सेम है, उन दोनों का डिफरेंशियल अगर सेम है, तो इसका मतलब यह है कि वो दोनों कर्व अपने मीट करने वाले पॉइंट पे फर्स्ट ऑर्डर पैरामेट्रिक कॉन्टिन्यूटी को होल्ड करते हैं। मतलब उन दोनों कर्व का फ्लो का जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, वो सेम है। जैसे इस वाले फिगर की अगर बात करें, इसके यहाँ पेस्ट कर लेता हूं, इस वाले फिगर में आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो ये वाला जो फिगर है, एक मिनट, अब देखिए ये वाला जो फिगर है, ये वाला फिगर में ये हमारा पहला कर्व है, ठीक है, और ये रेड वाला लाइन जो है हमारा दूसरा कर्व है। देखिए रेड और ग्रीन लाइन वाले दोनों कर्व हैं, इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, मतलब जीरो लेवल कॉन्टिन्यूटी है यहाँ पे। तो फर्स्ट लेवल कॉन्टिन्यूटी हम तब चेक करते हैं जब जीरो लेवल कॉन्टिन्यूटी एग्जिस्ट कर रही हो। मतलब अगर फर्स्ट लेवल कॉन्टिन्यूस है, फर्स्ट लेवल कॉन्टिन्यूटी अगर है उसमें, तो जीरो लेवल कॉन्टिन्यूटी होगी ही होगी, 100% होगी। तो यहाँ पे देखिए इस कर्व में दोनों कर्व एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, तो जो ये पहला वाला कर्व है, इस पहले वाले कर्व का जो फ्लो का डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और दूसरे वाले कर्व का जो फ्लो का डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है। यानी इन दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम नहीं है। यानी इन दोनों कर्व, कर्व क्यू का और कर्व पी का, इन दोनों कर्व का जो डायरेक्शन है, यानी इनका जो फ्लो है, वो सेम नहीं है। अगर डायरेक्शन सेम नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा है सी जीरो कंटिन्यूअस बट नॉट सी वन कंटिन्यूअस। ये सी जीरो कंटिन्यूअस है, क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे एक पॉइंट पे आके मीट कर रहे हैं, लेकिन इनका डायरेक्शन सेम नहीं है, इसलिए सी वन कंटिन्यूअस नहीं है। तो सी वन कंटिन्यूअस कब होंगे, जब वो इस तरह से होंगे। देखिए इस फिगर में क्या है, पहले कर्व का डायरेक्शन ये है और दूसरे कर्व का डायरेक्शन, एक मिनट, दूसरे कर्व का भी डायरेक्शन सेम है, वो सेम डायरेक्शन है। यानी ये दोनों कर्व क्या है, यहाँ पे सी वन कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर कंटिन्यूअस। सेकंड ऑर्डर पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी की अगर बात करें, तो सेकंड ऑर्डर पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी का मतलब है C2 का मतलब हम उस कर्व के, उस कर्व PU का और कर्व QV का सेकंड डेरिवेटिव निकालें, यानी हमको उसको दो बार डिफरेंशिएट करें U के रेफरेंस में, ठीक है। तो जब दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो इस तरह से होगा डी स्क्वायर पी वन अपॉन डी यू स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर क्यू जीरो अपॉन डी वी स्क्वायर। यहाँ पे U की जगह पहले वाले एक्सप्रेशन में हम वन रख रहे हैं,
ठीक है, अगर तो सेकंड ऑर्डर पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी की अगर बात करें तो सेकंड ऑर्डर पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी में हम उस कर्व का जो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, उसको दो बार डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो उसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, सी टू मीन्स सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पी एंड इक्वल टू सेकंड डेरिवेटिव ऑफ क्यू। तो देखिए, आप जो सेकंड डेरिवेटिव ले रहे हो, सेकंड डेरिवेटिव में यू की जगह वन पुट कर रहे हैं, और इसमें सेकंड वाले कर्व के एक्सप्रेशन में जो इसका सेकंड डेरिवेटिव ले रहे हैं क्यू का, उसमें वी की जगह जीरो रख रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि किसी भी कर्व का स्टार्ट पॉइंट पे यू इक्वल टू जीरो होता है, उसके एंड पॉइंट पे यू इक्वल टू वन होता है। तो हमने आपको बताया कि पहले कर्व का एंड पॉइंट और दूसरे कर्व का फर्स्ट पॉइंट हमें मीट कराना होता है। तो पहले कर्व का जो एंड पॉइंट होगा उस पर यू क्या होगा, हमारा वन होगा, और दूसरे कर्व का जो स्टार्ट पॉइंट यू होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो पहले कर्व का जो एक्सप्रेशन पी यू है उसमें हम यू की जगह वन रखेंगे, और दूसरे कर्व का जो एक्सप्रेशन क्यू वी है उसमें हम वी की जगह जीरो रखेंगे, और उसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल के यू और वी की वैल्यू पुट करेंगे जो उस कर्व के लिए एंड पॉइंट के लिए गिवन है, जीरो एंड वन। तो और पुट करने के बाद देखेंगे उसका सेकंड डेरिवेटिव इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है, इसका मतलब वो दोनों कर्व अपने ज्वाइंट पॉइंट पे सेकंड ऑर्डर पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी को फॉलो करते हैं। सेकंड ऑर्डर पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी का मतलब बेटा, अगर मैं समझाना चाहूँ आपको अच्छे से, तो देखिए इस वाले फिगर को कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि इस फिगर में अगर आप ध्यान से देखें, इस फिगर में देखिए, ये जो पहला पहला वाला फिगर है, ये पहला वाला फिगर, इस पहले वाले फिगर में देखिए, एक पॉइंट पे ज्वाइंट कर रहे हैं, यानी पहले कर्व का एंड पॉइंट और दूसरे कर्व का फर्स्ट पॉइंट एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, यानी ये सी जीरो कंटिन्यूअस है। ठीक, अब देखिए पहले कर्व का जो एंड पॉइंट का टेंजेंट है वो ये है, और दूसरे कर्व का जो एंड पॉइंट का टेंजेंट है वो भी सेम डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये कर्व जो है सी वन कंटिन्यूअस भी है, लेकिन लेकिन सी टू कंटिन्यूअस का मतलब होता है हम स्मूथनेस देखते हैं कर्व की, कि कर्व पे अगर हम चले तो हम कितनी आसानी से उस कर्व पे मुड़ सकते हैं, स्मूथनेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ इस कर्व में स्मूथनेस नहीं है, इस ज्वाइंट पॉइंट पे देखिए, स्मूथनेस का मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं होनी चाहिए, स्मूथनेस का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो, स्मूथनेस का मतलब उसमें कर्वेचर हो, कर्व शेप में उस ज्वाइंट पे कर्व फील हो। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे पहले वाले फिगर में ये C1 कंटिन्यूअस है लेकिन C2 कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि ज्वाइंट पॉइंट पे ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव कर रहा है। देखिए, एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव कर रहा है, कर्वेचर फॉर्म नहीं है इसमें, इसमें स्मूथनेस नहीं है। हमें क्या चाहिए, कर्वेचर फॉर्म चाहिए ज्वाइंट पॉइंट पे। ज्वाइंट पॉइंट पे देखिए, हमें इस तरह का ये, यहाँ देखिए ज्वाइंट पॉइंट पे कर्वेचर फॉर्म दिख रहा है, बिल्कुल बेंडिंग शेप, प्रॉपर स्मूथ बेंडिंग शेप। तो C2 continuity अगर है उसमें, इसका मतलब उस कर्व का सेकंड डेरिवेटिव अगर हम निकालेंगे, और सेकंड डेरिवेटिव पे यू पैरामीटर में अगर फर्स्ट कर्व के लिए वन और सेकंड कर्व के लिए जीरो पुट करें, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, अगर उस कर्व का सेकंड डेरिवेटिव जो सेकंड डेरिवेटिव अगर इक्वल है, इसका मतलब उन दोनों कर्व के ज्वाइंट पॉइंट पे स्मूथनेस एग्जिस्ट करेगी। तो ये तो हो गया हमारा पैरामेट्रिक कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक आपको फिगर यहाँ दिखाया गया है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, शायद आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। इस फिगर में अगर आप थोड़ा ध्यान से देखिए बेटा, तो तीन अलग अलग तरह के कर्व दिखाए गए हैं। पहले वाले फिगर में अगर आप ध्यान से देखिए, ये पहले वाला फिगर, ये दिस वन, इस फिगर में देखिए, इस पॉइंट पे जहां पर रेड एरो दिखाया गया, इस पॉइंट पे ये दोनों कर्व, दिस वन एंड दिस वन, दोनों कर्व आगे मीट कर रहे हैं, यानी मिल रहे हैं, यानी सी जीरो कॉन्टिन्यूटी है यहाँ पे, इस कर्व में सी जीरो कॉन्टिन्यूटी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए, इन दोनों कर्व का टेंजेंट सेम नहीं है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है
और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल हमने यहाँ सिर्फ जीरो कॉन्टिन्यूटी की बात की है, अगर दूसरे वाले उसके बगल वाले कर्व की अगर बात करें, यानी इस वाले कर्व की, इस वाले कर्व में ये रेड एरो जो दिखाया जा रहा है, मतलब इस सर्टेन पॉइंट पे दोनों कर्व मीट कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं मतलब सी जीरो कॉन्टिन्यूस है। तो सी वन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, तो सी वन कॉन्टिन्यूस का मतलब हम टेंजेंट देखते हैं। इस पॉइंट पे देखिए पहला वाला कर्व जो है इस दिशा में जा रहा है, और इसी पॉइंट पे दूसरा वाला कर्व भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये कर्व सी जीरो कॉन्टिन्यूस भी होगा और सी वन कॉन्टिन्यूस भी होगा, लेकिन ये कर्व आपका अभी इसके बगल वाले कर्व की अगर बात करें तो सी जीरो सी वन सी टू कॉन्टिन्यूटी की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए इस कर्व में स्मूथनेस एग्जिस्ट कर रही है, ये कर्व देखिए बिल्कुल स्मूथ है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर कर्व में सी जीरो सी वन और सी टू ये सारी कॉन्टिन्यूटी एग्जिस्ट कर रही है, मतलब वो कर्व स्प्लाइन कर्व रिप्रेजेंटेशन को फॉलो करेगा। अब दूसरा मेथड है हमारा ज्योमेट्रिक कॉन्टिन्यूटी। ज्योमेट्रिक क्वांटिटी कुछ नहीं है, ज्योमेट्रिक क्वांटिटी जो आपने पैरामेट्रिक क्वांटिटी पढ़ा वही सेम ज्योमेट्रिक क्वांटिटी भी है। ज्योमेट्रिक क्वांटिटी में देखिए कह रहा है ज्योमेट्रिक क्वांटिटी इज एन अल्टरनेट मेथड फॉर ज्वाइनिंग टू सक्सेसिव कर्व सेक्शन, दो कर्व सेक्शन को ज्वाइन करने का एक दूसरा मेथड है। इट रिफर्स टू द वे दैट कर्व और सरफेस लुक्स यूनिट टेंजेंट और कर्वेचर वेक्टर कॉन्टिन्यूटी एंड द डायरेक्शन ऑफ द टू पॉलीनोमियल कर्व सेगमेंट बट नॉट नेसेसरी द मैग्नीट्यूड टेंजेंट वेक्टर्स आर इक्वल। यानी हम जैसे पहले वाले में हम बोलते थे कि फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकेंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए। जब हम ज्योमेट्रिक क्वांटिटी की बात करेंगे तो हम ये नहीं बोलेंगे उनकी वैल्यू इक्वल होना चाहिए, ठीक है, उनका वेक्टर इक्वल होना चाहिए, ठीक है। वैल्यू हो सकता हो उसके प्रोपोर्शन में हो, देखिए साफ साफ लिखा है ये प्रोपोर्शनलिटी की बात कर रहा है, कह रहा है पैरामेट्रिक डेरिवेटिव्स ऑफ टू कर्व सेक्शन टू बी प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जो पैरामेट्रिक में हम कहते थे इक्वल हो, यहाँ इक्वल नहीं कहेंगे, वो इस तरह से कहेंगे, देखिए पी वन इक्वल टू के इंटू क्यू जीरो, यानी पहले कर्व में यू की जगह अगर वन रखे, पहले कर्व का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले और फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के यू की जगह वन रखें और दूसरे कर्व का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें और यू की जगह जीरो रखें, तो वो देखिए एक दूसरे के इक्वल नहीं है, वो प्रोपोर्शनल है, कितने टाइम के टाइम प्रोपोर्शनल है। यानी अगर पहला अगर पहले की वैल्यू अगर टू है तो हो सकता है दूसरे की वैल्यू वन बाई टू हो, ठीक है। तो वहां पे के की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू हो जाएगी, जब के की जगह टू रखेंगे तब P1 का डेरिवेटिव इक्वल होगा K इंटू क्यू क्यू डैश जीरो, ठीक है। तो यहाँ अगर ज्योमेट्रिक कॉन्टिन्यूटी की बात करें तो ज्योमेट्रिक कॉन्टिन्यूटी भी तीन तरह की है, जीरो ऑर्डर ज्योमेट्रिक कॉन्टिन्यूटी, फर्स्ट ऑर्डर ज्योमेट्रिक कॉन्टिन्यूटी एंड सेकेंड ऑर्डर ज्योमेट्रिक कॉन्टिन्यूटी। तो फर्स्ट जीरो ऑर्डर ज्योमेट्रिक कॉन्टिन्यूटी है, ये बिल्कुल सेम है जीरो ऑर्डर पैरामेट्रिक कॉन्टिन्यूटी की जैसा ही, ठीक है। इसमें हम बस ये देखते हैं ज्वाइंट पॉइंट पे वैल्यू मीट कर रहे हैं कि नहीं मीट कर रहे हैं, यानी कि साफ साफ लिखा हुआ रेड कलर में सेम एज जीरो ऑर्डर पैरामेट्रिक कॉन्टिन्यूटी, इसमें प्रोपोर्शनलिटी की बात नहीं करते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर में पहले कर्व के इक्वेशन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, यू की जगह जीरो रखेंगे, और दूसरे कर्व के इक्वेशन को का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के यू की जगह जीरो रखेंगे और उन दोनों की प्रोपोर्शनलिटी चेक करेंगे, वो किस टर्म में प्रोपोर्शनल है, वो किस टर्म में होंगी, के टर्म में प्रोपोर्शनल होंगी। अगर इस तरह से एक्सप्रेशन बन पाता है उन दोनों का, इसका मतलब वो कर्व फर्स्ट ऑर्डर ज्योमेट्रिक कॉन्टिन्यूटी है। इसका मतलब ये है उन दोनों कर्व का जो वेक्टर होगा, उन दोनों कर्व का जो टेंजेंट वेक्टर होगा वो इक्वल होगा, उस टेंजेंट की वैल्यू इक्वल नहीं होगी, कोई जरूरी नहीं इक्वल हो, इक्वल हो भी सकती है और इक्वल नहीं भी हो सकती है। देखिए के के अगर वन है, के की वैल्यू अगर वन है तो पी डैश वन इक्वल टू के डैश क्यू डैश जीरो हो जाएगा। के अगर वन नहीं है, के की वैल्यू टू है थ्री है फोर है, तो उसे क्या होगा, इसके प्रोपोर्शनल में होगा वो, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वल हो, इक्वल हो भी सकते हैं इक्वल नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड हो सकता है इक्वल ना हो और हो सकता है इसका मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो, लेकिन इसका जो वेक्टर है टेंजेंट का जो वेक्टर है वो डेफिनेटली इक्वल होगा, मतलब उसकी दिशा बिल्कुल एक जैसी होगी, लेकिन उस टेंजेंट की जो मैग्नीट्यूड है वो भले ही अलग ना हो, वो प्रोपोर्शनल हो, वो चलेगा। तो कहने का मतलब है ये पी डैश वन इक्वल टू के इंटू क्यू डैश जीरो जो लिखा है, के में भी वन हो सकता है, अगर के वन होगा तो ये दोनों क्या होंगे, पी डैश वन और क्यू डैश जीरो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि जो हमारा ज्योमेट्रिक कॉन्टिन्यूटी है
वो पैरामेट्रिक कॉन्टिन्यूटी बन सकता है। देखिए अगर ये मैं ये कहूं कि k इक्वल टू वन, इसका मतलब क्या है, अगर दो कर्व ज्योमेट्रिक कॉन्टिन्यूटी शो कर रहे हैं तो वो क्या होंगे, अगर दो दो कर्व अगर हमारे पैरामेट्रिक कॉन्टिन्यूटी दे रहे हैं तो वो ज्योमेट्रिक कॉन्टिन्यूटी भी देंगे। लेकिन अगर वो ज्योमेट्रिक कॉन्टिन्यूटी दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पैरामेट्रिक कॉन्टिन्यूटी दें। क्यों? ज्योमेट्रिक कॉन्टिन्यूटी में के की वैल्यू वन हो सकती है। तो अगर दोनों कर्व के पैरामेट्रिक कॉन्टिन्यूटी अगर दिखा रहे हैं, यानी दोनों कर्व का फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल है, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल का मतलब हो सकता है के इक्वल टू वन हो, तभी तो इक्वल होंगे। तो अगर दो कर्व का फर्स्ट ऑर्डर पैरामेट्रिक कॉन्टिन्यूटी है तो हम ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि वो दोनों कर्व फर्स्ट ऑर्डर ज्योमेट्रिक कॉन्टिन्यूस भी होंगे। लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि अगर कोई कर्व फर्स्ट ऑर्डर ज्योमेट्रिक कॉन्टिन्यूस है तो वो कर्व फर्स्ट ऑर्डर पैरामेट्रिक कॉन्टिन्यूस भी हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है के की वैल्यू टू हो, और के की वैल्यू टू होगी तो पी डैश वन इक्वल टू के इंटू क्यू डैश जीरो होगा ना, तो वहां पे पी डैश वन इक्वल टू क्यू डैश जीरो नहीं है। तो अगर दो कर्व ज्योमेट्रिक कॉन्टिन्यूस है, फर्स्ट ऑर्डर ज्योमेट्रिक कॉन्टिन्यूस है, तो सेकंड ऑर्डर पैरामेट्रिक कॉन्टिन्यूस, फर्स्ट ऑर्डर पैरामेट्रिक कॉन्टिन्यूस हो ये जरूरी नहीं है। ओके, इसी तरह से अगर हम सेकंड ऑर्डर ज्योमेट्रिक कॉन्टिन्यूटी की बात करें, जैसा आपने पैरामेट्रिक सेकंड ऑर्डर पैरामेट्रिक कॉन्टिन्यूस में कर्व पी और कर्व क्यू का सेकंड डेरिवेटिव निकाला, तो यहाँ भी सेकंड डेरिवेटिव निकालिए, यू की जगह वन पुट करिए और क्यू में यू की जगह जीरो पुट करिए, ठीक है। तो जो वैल्यू आएगी डेरिवेटिव्स की, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स की जो वैल्यू आएगी, वैल्यू इक्वल नहीं होगी, वो के प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि वो दोनों कर्व जो हैं सेकंड ऑर्डर ज्योमेट्रिक कॉन्टिन्यूस हैं। तो अगर दो कर्व सेकंड ऑर्डर ज्योमेट्रिक कॉन्टिन्यूस हैं, तो अगर हम उस कर्व का पैरामेट्रिक कॉन्टिन्यूस निकालें, सेकंड ऑर्डर पैरामेट्रिक कॉन्टिन्यूस निकालें, तो हम ये कह सकते हैं कि वो कर्व सेकंड ऑर्डर ज्योमेट्रिक कॉन्टिन्यूस भी होगा। लेकिन दो कर्व के अगर सेकंड ऑर्डर ज्योमेट्रिक कॉन्टिन्यूस हैं दो कर्व, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो कर्व सेकंड ऑर्डर पैरामेट्रिक कॉन्टिन्यूस भी हो। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया कॉन्टिन्यूटी कंडीशंस, जिसमें हम किसी भी दो कर्व की कॉन्टिन्यूटी को चेक करते हैं कि वो दो कर्व जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं उस पॉइंट पे उसमें कर्व की प्रॉपर्टी होल्ड कर रखी है कि नहीं, जिस पॉइंट पे वो एक दूसरे से मीट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक इज नाउ कंप्लीटेड। थैंक यू।